तो बोलो जय सियाराम लो भाई लोग। तो गाइस देखो हम आ चुके और एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस देखो इस वीडियो में हम बात करेंगे हाल फिलहाल में रिलीज़ हुई अपनी तू झूठी मैं मक्कार इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को लेकर, क्योंकि गाइस जो हमने एक्सपेक्टेशन लगा के रखी थी कि 10 करोड़ के नीचे इसका कलेक्शन निकल के आएगा, पर गाइस देखो तू झूठी मैं मक्कार ने सबके मुँह चुप करा दिया है। क्योंकि भाई साहब देखो ये लंबा रेस का घोड़ा बनने वाली है ये मूवी, क्योंकि भाई साहब देखो इस मूवी के रिव्यूज़ भी एकदम टकाटक आए हैं क्योंकि टॉप लेवल के आए। तो गाइस इसे ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो सबसे पहले तुम्हारे भाई इसका बजट बता दूं तुमको, तो गाइस इस मूवी का बजट बताया जा रहा है 60 से 70 करोड़ के बीच में। और भाई लोग देखो ये डे वन पे ओपनिंग लेती है नेट कलेक्शन के बारे में तो वो आता है 16 करोड़ आप पकड़ के चलो, 16 करोड़ इसका डे वन का कलेक्शन निकल के आता है। और सेकेंड डे का इसका कलेक्शन निकल के आएगा लगभग 13 से 14 करोड़ के करीबन। तो गाइस 2 ही दिनों का कलेक्शन इसका हो जाता है 28 करोड़ के करीबन, 29 से लेकर 28 करोड़ इसका कलेक्शन हो जाता है। तो 2 दिनों में ही अपना आधा बजट तो रिकवर कर लेती है। तो गाइस संडे तक यानी संडे तक इसका पूरा बजट रिकवर हो जाएगा और ये मूवी हिट होने के लिए इसको 100 करोड़ चाहिए। तो गाइस ये इजीली हिट होकर 200-300 करोड़ बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन करेगी, क्योंकि इसके सामने कोई है ही नहीं गाइस। आप देख लो सबसे पहले तो तब तक भोला नहीं आ पाती, तब तक थिएटर्स में इसी का राज चलेगा तू झूठी मैं मक्कार का, क्योंकि भाई साहब इसमें श्रद्धा कपूर और अपने रणबीर कपूर इन दोनों की जो जोड़ी लगी है गाइस वो लोगों को बेहद पसंद आ रही है। तो इसी के अब ये लंबा रेस का घोड़ा तो बनने ही वाली है उससे भी। और गाइस इसका 2 दिनों का कलेक्शन इतना निकल के आया है तो तुम सोचो संडे सैटरडे का कितना निकल के आएगा। और ये 4 से 5 दिनों में अपना बजट रिकवर कर लेगी और एक हिट मूवी बन जाएगी। तो अब आने वाला टाइम ही बताएगा कि कितना कलेक्शन करेगी। तुम्हारे क्या ओपिनियन है इसको लेकर ज़रूर बताना। लाइफ टाइम इसका कलेक्शन कितना होगा, 200, 300 या 400 करोड़।